राम राम, आपको भी राम राम और आपको भी राम राम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यूजी लेवल को लेकर 3 अपडेट आए हैं 2 अगस्त यानी कि आज की डेट में लगभग 11 से 1 बजे के बीच में, और ये अपडेट आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़रूरत हो तो सुन लीजिएगा, और जो भी बातें आपको बताई जाएंगी उसको अप्लाई करने का मन हो और समय हो तो अप्लाई कर लीजिएगा। पहला अपडेट है कि अकल आ गई है NTA प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, भारत सरकार की, कि उन्होंने सभी विषयों का पाठ्यक्रम इंग्लिश को छोड़कर और एक विषय को छोड़कर हिंदी माध्यम में बच्चों के लिए उपलब्ध करवा दिया है। वैसे तो हम हिंदुस्तान हैं, हिंदी की बात करते हैं लेकिन हिंदी माध्यम में पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे। तो अब अकल आ गई है तो सभी विषयों का, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, प्रोफेशनल कोर्स हो, सभी का सिलेबस हिंदी माध्यम में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। हो सकता है पहले भी कर दिया होगा लेकिन सेकंड फेज का एडमिट कार्ड भी आ गया है। दूसरा अपडेट ये है आपके लिए, क्योंकि जिन बच्चों के एग्ज़ाम 4, 5 और 6 तारीख को होने वाले हैं उनका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो जाइए वेबसाइट पर और डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, घबराइएगा मत। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड मालूम होना चाहिए, अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त पासवर्ड की दिक्कत आती है तो पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, और ईमेल पर एक कोड जाएगा उसको रीसेट कर लीजिएगा, पासवर्ड हो जाएगा नया और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन हमारा फोकस सिलेबस पर ही रहेगा, लगभग जितने भी 25 से 28 सब्जेक्ट हैं सभी का सिलेबस आ गया है, और जैसा कि मैंने बताया एक सब्जेक्ट को छोड़कर, एक या दो, हाँ दो ही सब्जेक्ट हैं, एक जनरल वाला है और दूसरा लैंग्वेज वाला है। लैंग्वेज वाले को लेकर भी उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कौन से 3 पार्ट हैं लैंग्वेज को वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और जनरल टेस्ट के लिए क्या कॉमन पढ़ना चाहिए ये भी आपको बता दूंगा। लेकिन जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं या इंग्लिश माध्यम के लिए हैं उनको तैयारी भी करनी है। और आपके मन में सवाल हुआ कि मैंने जब इसका पहला सेशन स्टार्ट हुआ था मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि पहली बार चीज़ें थी, नई नई चीज़ें थी, जानकारियाँ उपलब्ध नहीं थी और प्रमाणिक जानकारियाँ उपलब्ध नहीं थी, इसलिए जल्दबाजी में कोई वीडियो बनाना उचित नहीं है, थोड़ा रुक कर बनाना ये हमने डिसीजन लिया। तो कौन से सब्जेक्ट है जिनका सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, आर्ट एजुकेशन है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस स्टडी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़ का पेपर इंग्लिश में ही आएगा चाहे आपका मीडियम कोई भी हो, ठीक है। और ये लगभग लेंथी पेपर होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 करने मैंडेटरी है, नेगेटिव मार्किंग साथ में है। उसके अलावा ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, और एक इसमें नया सब्जेक्ट आप लोगों को लगेगा ट्रेडिशन वाला, ये टेक्सटाइल के बच्चे हैं वो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट के हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश में होगा। लीगल स्टडीज़ का है, मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन का है, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी और लास्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड। अब बात करते हैं लैंग्वेज वाले पोर्शन की, ठीक है। लैंग्वेज के लिए घबराइएगा मत, 3 पार्ट में बटा हुआ है और बड़ा ही ईजी है, थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। आप उसको सिलेबस पे जाएंगे और एक पेज से भी आधे का ही सिलेबस है। लैंग्वेज में जैसे कि आपने चुना होगा लगभग 12-13 लैंग्वेजेस दी हैं या 21 लैंग्वेजेस हैं, और उस लैंग्वेज में किसी दो का आपने चयन किया होगा अप्लाई करते वक्त में, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। तो किसी भी दो लैंग्वेज से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन और पैराग्राफ क्वेश्चन भी आपसे रखे जाएंगे। आपको ऐसे नहीं लिखना है, 2-3 पैराग्राफ होंगे उसमें कुछ सवालों के जवाब हैं वो आपको देने होंगे, MCQ में ही आएगा। इसकी 3 कैटेगरी हैं, एक इसमें आपके फिक्शन का भी पढ़ा हो आपने, हाइपोथेसिस का होता है, उपन्यास के संदर्भ में होता है, इसके बारे में होगा, नैरेटिव होगी और लिटरेसी होगी या लिटरेचर होगा। लिटरेचर में आपका काव्य आएगा और काव्य के अंदर भी आपका, आपने यदि पढ़ा हो रस के बारे में, छंद के बारे में, अलंकार के बारे में, भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में या संप्रेषण प्रक्रिया के बारे में। दूसरा पोर्शन आपका गद्यांश और पद्यांश का रहेगा। गद्यांश में आपको कुछ कविताएं पढ़ने को मिलेंगी, कुछ कहानियां मिलेंगी, कुछ उपन्यास मिलेंगे, कविताएं मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा आपको, और ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, 11वीं 12वीं का पढ़ लीजिएगा, आप पास कर जाएंगे आराम से। लेकिन ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है चारों ही सेक्शन में, चाहे लैंग्वेज सेक्शन हो आपका, चाहे GK का सेक्शन हो आपका, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, चाहे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाई हो, और आप सभी जानते हैं क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग कितनी भयंकर होती है। इसका ध्यान रखिएगा, एक सब्जेक्ट और था जिसका सिलेबस नहीं आया है लैंग्वेज के अलावा, जनरल वाले पेपर का, कि जनरल में आप क्या पढ़ेंगे और क्या छोड़ेंगे उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, बेसिक चीज़ें हैं, और कुछ मैं आपको किताबों के नाम भी बता दूंगा, जहाँ से मिल जाए वहाँ से पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर आपको नहीं पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है आपको,
और इसके अलावा हायर एजुकेशन का कुछ भी नहीं पढ़ना है आप, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स पिछले 3 से 6 महीने को उठा के देख लीजिएगा। आप कहेंगे एक हफ्ते का समय है, ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप तैयारी पिछले 2 महीने से कर रहे होंगे या कर रही होंगी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा साइकोलॉजी पढ़ा हो और साइकोलॉजी का थोड़ा चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा होगा, बाल मनोविज्ञान, तो खासकर एप्टीट्यूड के संदर्भ में उसको देख लीजिएगा, जनरल एप्टीट्यूड के संदर्भ में। इसके अलावा अगर आपने थोड़ा सा रीजनिंग देखा होगा, रीजनिंग के भी 2 पार्ट्स होते हैं, क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव, तो आपको क्वांटिटिव रीजनिंग को ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत ईजी होता है, आप कोई भी किताब उठा के देख लेंगे आपको मिल जाएगा, कुछ नाम मैं आपको बता दूंगा। लॉजिक और एनालिटिकल पढ़ना, ये नई चीज़ है आप लोगों के लिए, खासकर जो बच्चे साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं उनके लिए बेसिक चीज़ हो सकती है, लेकिन जो बच्चे लैंग्वेज के हैं, ह्यूमैनिटी के हैं, आर्ट्स के हैं, उनके लिए दिक्कत आ सकती है, समाधान भी मैं आपको दे दूंगा। ये सिलेबस है, सभी के सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, 3 लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हिंदी के सिलेबस के लिए, इंग्लिश के सिलेबस के लिए, और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए और वेबसाइट का लिंक। कुछ किताबें हैं उसको देख लीजिए आप, इग्नू का या NCERT का, जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिले, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उसको डाउनलोड कर लीजिए। इन दोनों ही संस्थाओं की वेबसाइट पर जाएंगे, फोकट में, मुफ्त में, बिना पैसे के कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में। इसके साथ साथ इन किताबों के कुछ नोट्स भी तैयार किए हैं NCERT और इग्नू ने, वो भी आप इसकी वेबसाइट पर सर्च करेंगे थोड़ा बहुत, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो, खासकर ओलंपियाड लेवल का अगर दिया हो कभी आपने, परीक्षाओं का या प्रतिभा परीक्षाएं जो होती हैं उसके पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो आपको दिक्कत करेगा, तो उसके लिए भी इजी तरीका है, कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 का हिंदी का व्याकरण देख लीजिएगा, क्योंकि व्याकरण से संबंधित सवाल ज़्यादा होंगे, लिटरेचर के सवाल कम होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एडमिट कार्ड की या सिलेबस को डाउनलोड करने की कोई भी दिक्कत आती है तो NTA से संपर्क कीजिएगा या CUET से संपर्क कीजिएगा, मेरे को तंग मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कोई समाधान तो दे नहीं पाऊँगा। हाँ, जो सिलेबस आपको बताया है उसको समझने में कोई दिक्कत हो साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर, तो आप उसे संपर्क कर सकते हैं किसी टर्म को समझने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जल्दी से निकालिए एडमिट कार्ड, क्योंकि देख लीजिए अब आपको सेंटर का नाम दे दिया गया होगा, दूसरी चीज़ आपका स्लॉट 1 है या स्लॉट 2 है ये भी बता दिया गया होगा, कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं एडमिट कार्ड के साथ में ये भी आपको बताया गया होगा, और रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है ये भी आपको बताया गया होगा। ये चारों चीज़ें एडमिट कार्ड में ध्यान से चेक कर लीजिएगा कि वही जिले में आपका पेपर है या कुछ बदल दिया है। सब्जेक्ट अपने चेक कर लीजिएगा, जिस सब्जेक्ट के लिए अपना अप्लाई किया था वो वही है या नहीं, और साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन से लेकर जाने हैं, और रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइमिंग के मिस की वजह से हजारों बच्चों का पेपर छूट चुका है। 17 मेल तो मेरे पास आए हैं पर्सनली बच्चों के, जिनका एग्ज़ाम छूट गया है 2 से 3 मिनट की देरी पर, गेट को क्लोज कर दिया गया है। तो टाइम का ध्यान से ध्यान रखिएगा, और आपके पास जितना भी समय था, आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगली वीडियो में बात करेंगे इग्नू के 2nd और 3rd ईयर की जो परीक्षाएँ चल रही हैं, कुछ पेपरों करेंगे बातचीत। तब तक के लिए जय हिंद, सलाम।